राजकुमारी ढिल्लो जी। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा 280 का जो प्रश्न है उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए। भाई मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूँ, बातचीत बंद करें, चर्चा करके ठीक ढंग से रूल के अंतर्गत लेके आइए, आपस में चर्चा करके। अध्यक्ष जी, मेरा 280 से ज्यादा मेरा जो एक महत्वपूर्ण 2 मिनट का बस मैं बोलूंगी विषय है कि अभी सभी विधायकों ने अनऑथराइज एरिया की बात करी, लेकिन मेरा ऑथोराइज एरिया, रेगुलराइज जो एरिया है, बहुत कम विधायकों ने बात रखी। उसमें जो MCD है, लैंड ओइंग एजेंसी, फ्लड इरिगेशन को वहां पर जी, आपका ये विषय नहीं है, विषय दूसरा। छोटा सा मेरा उससे इम्पोर्टेंट ज्यादा है। अब इसी पे आइए, समय नहीं है, प्लीज। उसमें चर्चा हो गई बात, ओके, हाँ, बाद में होगी दोबारा। माननीय अध्यक्ष जी, 280 के माध्यम से मैं मेरी विधानसभा का एक महत्वपूर्ण विषय रखना मैं चाहती हूँ कि दिल्ली में माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में बहुत ही अच्छे काम हो रहे हैं, स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर, परिवहन व्यवस्था पर। और परिवहन व्यवस्था को दिल्ली में मजबूत करने के लिए, दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करने के लिए सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को बहुत तेजी से सुदृढ़ किया जा रहा है, जिसमें कि दिल्ली की महिलाएं मुफ्त सफर करती हैं, बुजुर्ग जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक मेरी विधानसभा में दिक्कत चल रही है कि परिवहन व्यवस्था बहुत अच्छी है, लेकिन जो हमारे बस स्टॉपेज है, बस स्टैंड है, उनके ऊपर शेल्टर नहीं है। सिर्फ एक बस स्टैंड के नंबर लिखे हुए हैं उसके ऊपर। और कई बार मेरा लिखित, मैंने अपना रिक्वेस्ट भी मैंने भेजी है डिपार्टमेंट में, और परिवहन मंत्री साहब को भी मैंने भेजी है। तो आज मेरे इस सदन के माध्यम से मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि बुजुर्गों के लिए, बुजुर्ग महिलाओं के लिए, हैंडीकैप लोगों के लिए, ये तेज जो आगे गर्मी आएगी, कड़कती धूप, कड़कती सर्दी और बरसात के दिनों में हमें अपने शेल्टर को हमें बनवाना होगा। तो मेरा परिवहन मंत्री से मेरा निवेदन है कि मैंने 1.5-2 साल पहले मेरी विधानसभा के 9 बस स्टैंड जो कि खत्म हो चुके हैं, बिल्कुल वहां नजर ही नहीं आते, लोग खड़े होते हैं, उसके लिए कोई ना कोई रास्ता निकलवाएं और उसको तत्काल प्रभाव से बनवाएं। धन्यवाद।